good morning all of you today we are going to discuss chapter 10 of class 10th and it's about light reflection and refraction. Now the very first question that arises in our minds is that what is light basically light is a form of energy that produces sensation of vision Now there are certain facts about light which we have jotted down in point form, and we'll discuss them one by one. The very first point is that light is an electromagnetic wave. Now, what is this electromagnetic wave? It's a kind of wave that don't require any material media for their propagation. And it's quite evident. You know that when light travels from sun to earth, then there is no medium in between. It means that light don't require any material media for their propagation. And light is an electromagnetic wave you must have read in your ninth class that there is another kind of wave that is known as mechanical wave. sound waves are mechanical waves. and those mechanical waves, what's the characteristic of mechanical waves? that they require material media for their propagation. so you can uh, have a difference between light and sound on the basis of medium. that light, light don't require any material media and sound requires material media. so light is a electromagnetic wave.

visible part of electromagnetic wave produces sensation of vision और इसी को हमने क्या नाम दिया light दिया तो light क्या है light electromagnetic wave है और electromagnetic wave केवल light ही नहीं है x-ray गामा ray और ये सब rays भी क्या है radiations क्या है ये electromagnetic wave ही और सब के सब एक कॉमन करेक्टरिस्टिक वही है कि दे डोंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडिया फॉर द प्रपेकेशन द फर्स्ट फैक्ट इज अबाउट वेव लाइट वेव एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द सेकेंड फैक्ट इज़ दैट लाइट ट्रेवल्स इन एयर और वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ दैट ऑफ थ्री इंटू टेन पार एट मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी नाउ यू मस्ट हैव दिस थिंग इन योर माइंड दैट नथिंग नो बॉडी कैन हैव स्पीड ग्रेटर दैन दैट ऑफ थ्री इंटू टेन पार एट मीटर पर सेकेंड दिस फैक्ट शुड भी देयर इन योर माइंड एंड अनदर फैक्ट देट शुड भी देयर इन योर माइंड इज दैट स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम्स मतलब अगर हम थ्री इंटू टेन पार एट मीटर पर सेकेंड बोल रहे हैं तो ये किसके लिए है स्पीड यह है एयर और वैक्यूम मीडियम के लिए अगर लाइट इफ इट ट्रेवल्स इन ग्लास दैन the speed changes and it becomes 2 into 10 power 8 meter per second that is different from that of 3 into 10 power 8 meter per second means that if light travels from one medium to another medium then definitely there is change in speed so this fact you also you should know that for different mediums the speed of light is different now third point point is important point that light is having a dual nature dual nature means इट इज़ हैविंग टू नेचर्स उसके दो नेचर होते हैं एक होता है वेव नेचर द अनदर वन इज़ पार्टिकल नेचर वट डू यू मीन बाय वेव नेचर इसका मतलब लाइट वैन इट ट्रेवल्स वैन इट प्रोपागेट्स इट प्रोपगेट्स इन फॉर्म ऑफ वेव दिस इज वेव नेचर एंड वट डू यू मीन बाय पार्टिकल नेचर पार्टिकल नेचर मीन्स दैट लाइट इज कम्पोज ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर नोन एज फोटॉन्स मतलब जो लाइट है बहुत सारी पार्टिकल्स से मिल के बनी हुई है और ये पार्टिकल्स अब क्योंकि लाइट एक एनर्जी है तो लाइट जिससे मिलकर बनी होंगी जिन पार्टिकल्स से मिल के बनी होंगी उन पार्टिकल्स की भी कुछ एनर्जी होगी राइट और वो पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स बोलते हैं और उन पर जो एनर्जी होती है उसको हम रिप्रजेंट करते हैं ई इज़ एकल टू एच एन यू से वेयर ई इज़ एनर्जी एच इज़ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड न्यू इज़ फ्रिक्वेंसी एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट होता है इसकी वैल्यू कॉन्सटेंट रहती है एंड इट्स वैल्यू इज़ सिक्स इंटू सॉरी सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस थर्टी फोर जूल सेकेंड और फ्रीक्वेंसी फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर जो हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं वो सिम्बल यूज़ कर रहे हैं न्यू यूजअली फ्रीकुंसी हम कैसे रिप्रजेंट करते हैं एफ से रिप्रजेंट करते हैं एन से करते हैं Osionfish. तो यहाँ पर हम न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी न्यू कैसे बनाया हमने ये वी ऐसा बनाते हैं और न्यू कैसे बनाएंगे थोड़ा सा यहाँ पर ये इसको ऐसे टिल्ट कर देते हैं ऐसे लेफ़्ट साइड में टिल्ट कर दिया इसे तो ये हमारे नया सिम्बल है इसको हम न्यू बोलते हैं और न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है जो फ्रीक्वेंसी वही है जो हर्ट्स में आपके रिप्रेजेंट होता है जो कि साइकिल्स पर सेकेंड वाइब्रेशंस पर सेकेंड रिप्रेजेंट uh, करता है हर्ट्स में से रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट इसकी हर्ट से एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज़ नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट दैट लाइट इज़ फॉर्म्ड डिफरेंट इज़ फॉर्म्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ फोटॉन्स अब लाइट वेव नेचर भी शो करता है पार्टिकल नेचर भी शो करता है ये कैसे पता चला ये पता चला एक्सपेरिमेंट से तो एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें कि लाइट ने इंटरफेरेंस किया डिफ्रैक्शन शो किया इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन कुछ फिनोमिनाज हैं जो कि लाइट शो करते हैं एंड यूल रीड इट इन योर ट्वेल्थ क्लास तो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन फिनोमिना शोन बाय लाइट रिप्रेजेंट दैट इट फॉलोज वेव नेचर अनदर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द पार्टिकल नेचर इज़ फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट वन इज़ क्रॉम्पटन इफेक्ट ऑल्सो विच आई हैव नॉट रिटर्न बट फोटोलैक्ट्रिक इफेक्ट जो कि आइंस्टीन ने इसका एक्सप्लेन किया था और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट ये इस्टेब्लिश करता है कि लाइट की पार्टिकल नेचर भी होता है तो लाइट के ड्यूल नेचर होता है वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है नेक्स्ट इज दैट लाइट इज़ अ ट्रांसफर्स वेव नाउ यू शुड नो वट इज ट्रांसवर्स वेव ट्रांसवर्स वेव होते हैं लॉन्गील वेव होते हैं तो अगर ट्रांसवर्स वेव आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा अगर कोई रस्सी है उसको अगर हम अप डाउन मोशन देते हैं यहाँ से सपोज़ डाउन मोशन दिया तो वेव्स किधर प्रोपागेट करते हैं दे प्रोपगेट इन दिस डायरेक्शन रोब में भी ये वेव्स क्रिएट किए जा सकते हैं और वाटर के सरफेस में भी रिपल्स के फॉर्म में ये वेवस क्रिएट किए जा सकते हैं और इसमें हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं दे आर ऑसम्पली दे आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड दे यार जैसे रस्सी है रस्सी में केवल क्या होता है रस्सी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर नीचे जाते हैं तो जब रस्सी के पार्टिकल्स ऊपर नीचे जाते हैं तो पार्टिकल्स का मोशन तो इधर हो रहा है बट द वेव और डिस्टर्बेंस इज़ प्रोपेगेटिंग इन दिस डायरेक्शन विच दिस होल कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस कि यहाँ जो मीडियम पार्टिकल है वो अप डाउन ऑसोलेट कर रहा है मोशन अप डाउन है उसका और डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन सीधे इस डायरेक्शन में और वट आर ट्रांसवर्स वेव ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें कि डायरेक्शन ऑफ़ ऑफ़ ऑसिलेशन पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ़ ऑफ़ वेव आर वट द एंगल बिटवीन दैम इज 90 डिग्री अगर डायरेक्शन पार्टिकल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वी वेव इज़ अ ट्रांसवर्स वेव लाइट इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्स वेव अब लाइट में कोई पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करता है इनफैक्ट लाइट में होता क्या है लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करता है या वेरिएशन उसमें होता है ऑसिलेशन उसमें होता है और जो ऑसिलेशन या वेरिएशन होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में वो परपेंडिकुलर होता है किसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के दैट्स वाई वी से दैट लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव नाउ अनदर फैक्ट अबाउट लाइट इज दैट द स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड रेक्टीलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ये आपने आ, देखा भी है कि अगर आ, किसी डार्क रूम में अगर कहीं से कोई लाइट आती है तो डार्क रूम में अगर कहीं से लाइट अगर आती है तो आप देख पाते हैं कि वहाँ पर क्या है? लाइट एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है दिस इज नोन एज रेक्टीलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट और न्यूटन का एक्सपेरिमेंट भी आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा जिसमें कि अगर कैंडल एक तरफ है और आप यहाँ से देख रहे हैं ये सब एक लाइन में है तो यू आर एबल टू सी दिस कैंडल और अगर इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं नीचे के डायरेक्शन में तो वी आर नॉट एबल टू सी द कैंडल इट मीन्स दैट लाइट ट्रेवल्स अ स्ट्रेट लाइन पाथ एंड दिस इज नोन एज रिक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द स्ट्रेट लाइन पाथ इन विच द लाइट मूव्स दैट स्ट्रेट लाइन पाथ इज़ कॉल्ड रे ऑफ लाइट और उसको इस तरह से दिखाया जाता है कि वन लाइन इज ड्रॉन एंड एन एरो इज मेड तो दिस इज रे ऑफ लाइट शोइंग द पाथ ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट अब बहुत सारी लाइन से अगर रेज को रेज का बंडल अगर लेके हम चले तो बंडल ऑफ लाइट रे इज़ कॉल्ड बीम ऑफ लाइट तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एंड वील डिस्कस अदर पॉइंट्स एंड इनफैक्ट फैक्ट विल डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन in the subsequent lectures. Thank you.